आज है मकर संक्रांति और जयपुर में काइट फेस्टिवल मनाया जाता है, तो क्यों ना हम भी आज चलें और काइट फेस्टिवल के मज़े लेते हुए बाज़ारों की सैर करें और देखें मकर संक्रांति की क्या रौनक है। चलिए मेरे साथ चलिए। मकर संक्रांति जयपुर का सबसे खूबसूरत त्यौहार है। इस दिन धनु राशि से सूर्य मकर राशि में आता है। इसी दिन सूर्य की उत्तरायण यात्रा शुरू होती है। दिन भर संगीत और पतंगबाजी की धूम रहती है। चेहरे पर मुस्कान, दिल में उमंग और आकाश में पतंग, इस दिन की खास पहचान है मेरे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं मेट्रो से पहले हवा महल होते हुए चलेंगे हम हाडीपुरा, जहां पतंगों की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और फिर चलेंगे जल महल में आयोजित काइट फेस्टिवल का नज़ारा देखने के लिए। मेट्रो की खिड़की से जयपुर का नज़ारा देखिए। यूं तो छत और खिड़कियों से पेच लड़ाए ही जाते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के दिन पतंगों के पेच देखते ही बनते हैं। पेच का रहस्य समझ गए ना दोस्तों? छोटी चौपड़ तक मेट्रो से गए, उसके बाद गिरिराज जी का ऑटो मिल गया और ये हमें ले जा रहे हैं हाडीपुरा, जो पतंगों के लिए जाना जाता है। गुलाबी शहर की गुलाबी दुकानों और गुलाबी धूप का आनंद लेते हुए एक झलक हवा महल की देखते हुए हम पहुंच गए हैं एशिया की पतंगों की सबसे बड़ी मार्केट हाडीपुरा में। तो आप भी इस बाज़ार में रंग बिरंगी पतंगों का नज़ारा देखिए। दोस्तों, पतंग बाज़ार में आए हो तो पतंग की कहानी भी जान लो। एक चीनी किसान अपनी टोपी को हवा में उड़ने से बचाने के लिए एक रस्सी से बांध कर रखता था। इसी सोच के साथ पतंग की शुरुआत हुई। एक यह भी मान्यता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चीन दार्शनिक मोझी और लू बान ने बांस के कागज से पतंग का आविष्कार किया था। डोर और हवा से नियंत्रित होने वाली पतंग का खेल रोमांचक है। यह वर्चस्व का प्रतीक भी है। कभी खींचकर और कभी ढील देकर जब पतंग काटी जाती है तो छतों से शोर उमड़ता है, बो काटा। चीन हो या थाईलैंड, यूरोप हो या भारत, पतंग के खेल की दिलचस्पी बराबर बनी हुई है। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार। कहाँ से पतंगे लाते हो? बरेली से। और मांझा? बरेली से। बरेली के मांझे की क्या खास बात है? बरेली का मांझा बेहतरीन लगता है। चार पांच की दुकान रहेंगी, अपनी तो परमानेंट दुकान है, आपको यही मिलेंगे। हम 12 महीने उड़ाते भी है और बेचते भी है भैया। अब हो गया सीजन पूरा, अब होगा उड़ाने का काम चालू हमारा। मैदान का काम चालू है, आप बोले अब मैदान में डोरे चालू है। भैया भैया मंजोले क्या मंजोले है? नहीं मुझे को डोर डोर मिलती है, बहुत मैदानी टोटल मैदानी पूरा बेचते ही नहीं है, पर बढ़िया में बेचता हूँ मैं। बाबू
बड़ी चरखी से छोटी चरखी में मांझा भरा जा रहा है तेज तर्रार। नीले थोते और पिसे हुए कांच से तैयार किया गया बरेली का मांझा, और दम है इस मांझे में। राशि भाई हमारे बड़े ही मेहनती हैं, पतंग भी खुद बनाते हैं और सेल भी खुद करते हैं, मार्केट में बहुत अच्छा नाम है इनका पतंग के अंदर। बहुत अच्छा मार्केट रहा, मार्केट इस बार बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल मतलब पहली बार पूरी मार्केट साफ हो गई है इस बार, माल थानी बिल्कुल भी फटी फटी कटी सब पतंग की बिक्री इस बार, लोग परेशान हो रहे हैं कैसे तो कि पतंग माल गया तो नहीं गया, माल क्या कम बना इस साल, लोग कम माल बना सब कुछ माल। बड़ों के साथ बच्चे भी पतंगबाजी के खेल का मजा लूटते हैं, और इनके लिए ये चरखियाँ किसी खजाने से कम नहीं हैं। जयपुर में सत्यंग त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और हम भी मनाने के लिए पूरी तैयारी में हैं। पतंग उड़ाओगे? तेज चढ़ाने आते हैं? अच्छा दिल्ली से यहाँ पतंग उड़ाने आए हो? दिल्ली से हर साल आता हूँ मैं। वेरी गुड। हरडीपुरा पतंगों की एशिया की शायद सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ हर डिज़ाइन की पतंग मिलेगी, भेड़ियल, पटियल, डंडियल, पुच्छल और न जाने कौन कौन सी पतंगें। ये रंग बिरंगी पतंगे रंग बिरंगे ख्वाबों को जन्म देती हैं। किसका जी नहीं चाहता कि आसमान की ऊंचाइयों को पतंगों की तरह से छूले। यहाँ लगभग 500 पतंगों की दुकानें हैं, साल भर पतंगें बनती हैं और एक दिन में बिक जाती हैं। रंग बिरंगी पतंगों का मजा तो ले ही रहे हो। ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल को लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन दबाने में भी कंजूसी मत करो। भाई एक लाइक तो बनता है ना? हाँ, अभी इंतज़ार कीजिए, आपको बहुत जल्दी ही जल महल काइट फेस्टिवल से रूबरू कराने जा रहा हूँ। कारीगर सधे हुए हाथों से पतंगे बनाते हैं और
सच पूछो तो साल भर की मेहनत इन्हीं दिनों के लिए होती है। शाहरुख खान के पतंग लेके जा रहे हैं आप? शाहरुख खान आपका प्रिय है? पतंग उड़ानी है। अच्छा अच्छा, खिले गुलाब से गुलाबी शहर का लुत्फ उठाते हुए हम पहुंच गए हैं जल महल, जहां काइट फेस्टिवल आयोजित हो रहा है। काइट फेस्टिवल का लुत्फ उठाने के लिए मैं आ गया हूं जल महल जयपुर में। यहां लोग दूर दूर से आते हैं और पतंगबाजी का मज़ा लेते हैं, पेश लड़ाते हैं। आओ इस जगह की खूबसूरती को देखें। राजा की बारात के दृश्य को इन खूबसूरत मूर्तियों के माध्यम से उकेरा गया है। राजा की बारात, आसमान में पतंगे और पृष्ठभूमि में जल महल का नज़ारा, वाह क्या बात है। पतंग कट गई, कोई बात नहीं, फिर उड़ाएंगे, फिर काट देंगे किसी और की पतंग आप। तो जब पतंग काटते हो तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और जब पतंग कट जाती है तो सबसे अच्छा लगता है, उससे ज्यादा अच्छा लगता है। यह है जल महल का नज़ारा। मित्रों, मैंने जल महल पर अलग से व्लॉग बनाया हुआ है, इसे आप मेरे चैनल पर अवश्य देखें। हाँ, इसके लिए यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अभी करें। बात पतंग उत्सव जयपुर की हो और संगीत का मज़ा न लें तो ये फेस्टिवल अधूरा रह जाएगा। आइए संगीत का मजा लें। जैसे आगे चलो तू कान से एक टीम बन रही कॉलिस्टर, अब तक फुटो की नाप नहीं है ना पड़ी मीटर, बिना पड़ी मीटर हर मीटर में मीटर का भी बीच में है सेंटीमीटर, दुनिया में पाया जल महल आया हूँ मैं काइट फेस्टिवल का मज़ा लेने के लिए। यहाँ मस्ती का आलम है,
पतंगे उड़ा रहे हैं लोग और संगीत का लुत्फ उठा रहे हैं। आप भी मेरे साथ पतंगबाजी का मजा लीजिए और इस संगीत से अपना मनोरंजन कीजिए। इस काइट फेस्टिवल के विषय में कुछ बताएं हमें। जयपुर का फेमस फेस्टिवल है सर और हर साल 14 जनवरी को ये मनाया जाता है और देसी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है उसका आनंद लेते हैं। Are you enjoying this kite festival? You are from which country? Canada. Okay. She is from Canada. Through travel with Narendra Anand के साथ आपने इस kite festival का आनंद लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपका भरपूर मनोरंजन हुआ होगा और दुनिया में प्रसिद्ध जयपुर का काइट फेस्टिवल जो हर साल मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, इसने आपके दिलों को भी प्रभावित किया होगा। यदि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलूँगा आपसे किसी और नए और खूबसूरत वीडियो के साथ।